हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासी। तो आज भी मैं टैटू लिपस्टिक की रिव्यू लेके आई हूँ, क्योंकि ये है डे टाइम पे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो मैंने टैटू लिपस्टिक की रिव्यू की थी वो नाइट टाइम का था और ये डे टाइम का है। तो आपको इसकी पैकेजिंग भी सही तरीके से मैं दिखा पाऊंगी। कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है, पूरा फुल्ली मतलब इसमें कवर लगा हुआ था, पहले ही मैंने खोल लिया था, आपको बताइए। तो फिर इस तरीके से आता है और कुछ कॉटन बड्स ऐसे आते हैं। इसमें टोटल आपको 20 मिलते हैं यहाँ पे, अभी कितना है मुझे पता नहीं क्योंकि यूज हुआ है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी आपको दिख रहा होगा 2024, एंड यहाँ पे कैसे यूज करना है वो सब लिखा हुआ है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ। सो देख लीजिए बैक कैमरे से, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यूज कैसे करना है, और उसके बाद यहाँ सब चाइनीज में लिखा हुआ है, और इधर भी चाइनीज में ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए सब लिखा हुआ है, और ये मेड इन। तो ये चाइना का प्रोडक्ट है, आपको पता ही है। इसकी रिव्यू मैंने एक दी थी और एक मैं अभी डे टाइम पे कर रही हूँ, क्योंकि नाइट टाइम पे लाइट के हिसाब से उतना पता नहीं चला होगा। और हाँ, ये स्ट्रॉबेरी वाला है, इसमें ये दिखाया गया है कि ये बिल्कुल डार्क सा रेड कर देता है। और टैटू लिपस्टिक होने का मतलब ये है कि ये आपके लिप्स पे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपका नॉर्मल सा स्किन है, बिल्कुल लिपस्टिक की तरह नहीं लगेगा। और इसका कलर जो दिखाया गया था, मैंने जिस पे देखा था वीडियो पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त सा रेड कलर था, मस्त सा रेड कलर तो वो था। तो चलिए अब हम इसको अभी मैं चेक करती हूँ कि अभी ये इसके साइड इफेक्ट वगैरह नहीं पता मुझे इसको लिप्स में लगाने के लिए, ना बहुत घिन आ रही है, पता नहीं क्या क्या मिलाया होगा। फेस वाला चीज लिप्स पे नहीं जाता, मुंह के अंदर नहीं जाता, आपको पता है, तो वो उतना घिन जो होता है वो नहीं आता, बट ये ना मुंह के अंदर भी चला जा सकता है। तो अभी मुझे मेरे लिप्स पे इसको यूज करना है। तो देखिए, ये जो कॉटन बड है कुछ इस तरीके से होता है, इसका जो आपको फ्रेम दिख रहा है ना, ये डॉट पेन के जैसा है, मतलब जैसे हमारे रिफिल होता है पेन में, उस तरीके का पूरा मोटा सा रिफिल है। और यहाँ दोनों साइड में कॉटन बड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है ना, इसको हमको इस तरीके से पुश करना है। तो ये देखिए, ये निकल जाएगा और सारा यहाँ नीचे आ जाएगा। और अब इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी। बहुत गंदा स्मेल है इसका, बहुत वाहियात सा स्मेल है। सही में उस दिन मैं फील नहीं कर पाई थी इसका स्मेल। कोई सब्जी अगर सड़ जाता है तो उसका स्मेल कैसा होता है, ऐसे ही स्मेल है, बहुत गंदा सा, उल्टी आ रही है। फिर भी लगाते हैं, देखते हैं। टैटू लिपस्टिक कहा गया है तो ये टैटू की तरह काम करता है या नहीं। इसका स्मेल बहुत गंदा है गाइस, प्लीज ऐसी चीजों में ना आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें। ये देखिए, चलिए अब मैं अपने हाथों पे भी लगा के दिखाती हूँ। देखिए जिस तरीके का कलर इसका दिखा रहा था, पूरा एकदम डार्क रेड, उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। और इसका छी, मेरे बार बार मेरे नाकों पे, इसका स्मेल बहुत गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा। और ये मैंने थोड़ा अपना सूझबूझ से, मैंने शॉपी से इसको लिया, क्योंकि बाकी बात जितने भी मैं प्लेटफॉर्म पे देख रही थी, जो चीज़ें वायरल होती है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अमेजोन पे 329 रुपीज़, फ्लिपकार्ट पे भी 300 से ऊपर ही थे, सब जगह पे 300 से ऊपर थे। मीशो में था 216 रुपीज़, और सबसे ज़्यादा कम मुझे शॉपी में मिला, जो कि 199 रुपीज़ में। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन नहीं होते, जो भी मिलेंगे ना सेम ही मिलेंगे। और इस तरीके का जो प्रोडक्ट है ना, वो कभी भी आपके लिप्स को कलर नहीं दे सकता। ये देखिए, ये कलर कोई कलर लग रहा है, इसको लगा के आप कहीं बाहर जा सकते हो। इस चीज पे आप 200 अपना वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कलर लगा के आप कहीं बाहर जा सकते हो। ऐसा लग रहा है पान खा के थूक लगा लिया है, पान का थूक। मैं अब इसको, ये देखिए मिट गया, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है ना, पान खा के जो थूक दिया जाता है ना, वही बिल्कुल
बिल्कुल वैसा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी आप ऐसी चीजों में बिल्कुल अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसका स्मेल भी गंदा है, और ऐसी इससे अच्छा आप माई ग्लैम के प्रोडक्ट ले ले या पर्पल से ले ले। मैं सबका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो जो लिपस्टिक अच्छी होती है, क्योंकि मेरा तो चैनल था इसीलिए मुझको बाय करना पड़ा कि मैं चेक करूँ तो भाई कैसा है ये चीज़, मतलब किस तरीके का है, पता चलेगा तभी तो आपको रिव्यू दूंगी। तो बहुत गंदा है, देखिए लिप्स पे है भी नहीं, और इसका इतना जो रेड दिखा रहा है, इतना रेड अगर लिप्स पे लगे तो कितना अच्छा लगे देखिए। अरे मैं इसको पोछूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीजों में बिल्कुल अपना टाइम मनी पैसा बिल्कुल वेस्ट ना करें। एक एक रुपया बहुत मायने रखता है, तो डे टाइम पे भी आपने देख लिया, नाइट टाइम पे तो उतना बहुत पता नहीं चला, फिर भी लाइट मैंने लगाई थी तो आपको पता चल गया, पर डे टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो जो हल्का वाला लिपस्टिक होता है वो हम डे टाइम पे ही लगाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो ये लिपस्टिक आपको लगता है ये लगा के हम कहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल पैसा वेस्ट ना करें, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ। ऐसी चीज़ों में वायरल चीज़ें देखें, मुझे बोले कि ये चीज़ कैसा है कमेंट बॉक्स में, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है तो मैं आपको सही बताऊंगी। सुनीसा, मैंने जो सुनीसा का वीडियो किया था इसके मुकाबले में वो सुनीसा भी बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा सुनीसा वर्क करता है, उसको आपको एज अ बेस आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। उसके बाद और एक है जो आपके पिंपल्स वगैरह को हटा देती है, उसके बारे में भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वीडियो, वायरल वीडियो है वो भी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ लाऊंगी। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, और इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि वायरल चीज़ें हमेशा सही नहीं होती और साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे कुछ इनके, मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं पता, मुझे इतना पता है इसका स्मेल बहुत गंदा है, सड़ा हुआ आलू का जैसा इसका सेंट है, मतलब आप एक बार सेंट लोगे तो लगेगा उल्टी हो जाएगा, मैं कैसे वीडियो में उल्टी करूँ ना। तो इसका सेंट बिल्कुल सड़ा हुआ आलू जैसा है, और ऐसे तो आप दूसरे जगह से लोगे तो आपको 300-400 पड़ेंगे, बट हाँ शॉपी से मुझे कम में मिल गया था 199 रुपीज में, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, रिव्यू करके देखते हैं और सबको बताते हैं कि ये किस तरीके का है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ले। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँ। और हाँ, मेकअप से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे, तो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि मैं बाहर थी इसीलिए मैं वो सब वीडियोस नहीं कर पाई। तो ये देखिए हाथों का हालत, मैं बाहर थी इसीलिए वीडियोस नहीं कर पाई, पर जरूर लाऊंगी आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।